हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। दो डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है सेवन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इस पर्सन को पैशनेटली जिंदगी में आगे तो बढ़ना है, यानी कि काफी सारे गोल इन्होंने सेट करके रखे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मंजिल तो उनको दिखाई दे रही है, लेकिन वहां तक बढ़ने के लिए काफी सारी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा है। ये अकेले ही इनको लग रहा है डील कर रहे हैं। तो अपने सामने जो भी हालात है, जो भी सिचुएशन है, उनके बारे में शायद ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये एज सून एज पॉसिबल उन बातों से निपट के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है नाइन ऑफ पेंटेकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जैसे एक ही पेंटेकल की कमी है, जो बताती है कि इस पर्सन को लग रहा है कि अगर उनकी वो विश पूरी हो जाए तो इनको जैसे जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। इसको अकेलापन महसूस हो रहा है, जैसे ये अपने बर्ड से बात कर रही है वैसे ही उनको लग रहा है कि अकेलेपन से ये काफी वक्त से डील कर रहे हैं और इस अकेलेपन से ये निकलना भी चाहते हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। एसेस हमेशा न्यू बिगिनिंग दर्शाते हैं, तो कुछ लोग अगर काफी वक्त से नो कॉन्टेक्ट जोन में भी थे तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई क्लैरिटी लेके आ रहे हैं, या फिर इनका मन कर रहा है आपसे क्लियरली कुछ बातचीत करने का। तो ये सामने से आपको कॉल और मैसेज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके दिल की अगर विश कोई पूरी कर सकता है तो वो है सिर्फ आप। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे ये पर्सन प्यार को लेके कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन की एनर्जी में है। मतलब काफ़ी वक्त से अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट जोन में है तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, क्या कहे, सिर्फ हाय कहना ठीक होगा या उससे ज़्यादा कुछ रोमांटिक कहना चाहिए। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स और साइन टॉरस, सॉरी फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे अगर आप कोई फीमेल पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है तो हो सकता है आप उनसे थोड़ा सा नाराज है, ये वो समझ रहे हैं, और आपका गुस्सा भी जायज़ हो सकता है, क्योंकि ऐसी कोई हरकत शायद इन्होंने की हुई हो सकती है, जैसे वैलेंटाइन डे को आपके इसलिए वक्त ना निकाल पाना, या फिर आप कह सकते हैं कि इन जनरल आपको लग रहा है कि काफ़ी वक्त से इन्होंने आपको वेटिंग की एनर्जी में रखा है, मतलब इंतज़ार ही कर रहे हैं आप दोनों एक होने का। तो कई सारी बातें हैं जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि शायद आप उनसे नाराज़ भी हैं और ये आपको मनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। फिर हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। दो बार सेवन आया है, जो बताता है कि एंजल आप दोनों को हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्सन भी इंतज़ार ही कर रहा है, वैसे ही आप कह सकते हैं कि इनको डिवाइन टाइमिंग का भी इंतज़ार है, और कहीं ना कहीं परफेक्ट टाइमिंग पे ये आपसे मिलने भी आ सकते हैं, या फिर आपको कुछ कहने के बारे में भी काफ़ी कुछ इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी वही एनर्जी है, अगर आप कोई फीमेल पर्सन है तो इनको लग रहा है कि आपने जानबूझ के अपने आप को कंट्रोल किया है, अपने जज्बात इन तक ना पहुँचाने के लिए। जैसे इसके हाथ में भी कप है, लेकिन इसने उसके ऊपर लीड लगा के रखा है कि मैं तो अपने प्यार का पैगाम तुम तक नहीं पहुँचाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों भी कप है, लेकिन दोनों कप में कितना ज़्यादा फर्क है। यहाँ पे ये क्लब कप जो है वो क्लोज है और यहाँ पे ये ओपन है। तो वैसे ही आपके पर्सन सोच रहे हैं कम्युनिकेशन करने को लेके, लेकिन कुछ रोमांटिक बात आपसे कहना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तीन बार क्वीन का कार्ड आया है, जो बताता है कि काफी हद तक
आपके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, मतलब मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में अगर किसी की सबसे ज़्यादा चलती है तो वो है आपकी, क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेल पर्सन नहीं हो सकता, मतलब उसकी जो एक आप कह सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या फिर यिन एंड यांग कनेक्शन में जो साइड है उसको लेके भी ये सोच रहे हैं। मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक शायद इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फैसले लेने की आदत तो है, लेकिन कई बार इनके फैसले कुछ गलत भी हो जाते हैं, जिसके पीछे आपकी कई सारी सलाह या फिर राय होती है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। तो वो सब बातें भी इनको याद आ रही हैं कि आपने कितना उनको समझाया था या फिर गाइडेंस दिया था, तो शायद कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर है हार्मनी, तो राइट नाउ तो ये ज़िंदगी में हार्मनी चाहते हैं, यानी कि दोनों अगर बातचीत नहीं कर रहे तो ये चाहते हैं दोबारा कनेक्ट हो, दोनों भी हंसी खुशी मिलें और एक साथ वक्त बिताए, आप भी खुश हो जाए इनको भी खुश मिल जाए। फिर है मैच्योरिटी, जैसे मैच्योरिटी की बात आ रही है कि कोई किसी से सलाह मशवरा तो कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ज़िंदगी के हर एक कदम पे आप किसी से राय पूछते बैठे। कुछ फैसले आपको अपनी मर्जी के मुताबिक या फिर अपने दिलो दिमाग से काम लेते हुए करने पड़ते हैं। वैसे ही ये पर्सन भी सोच रहे हैं कि इतना मैच्योर तो वो है ही कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको ये अकेले सॉल्व कर भी सकते हैं बिना किसी की हेल्प लिए। फिर है होलनेस, तो कम्प्लीशन चाहते हैं या फिर एक आप कह सकते हैं आपके साथ मिलके जो उनको सुकून मिलता है, जो हैप्पीनेस मिलता है, वो हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं और आपके बिना तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि आपके बिना लोनलीनेस फील हो रहा है और ये चाहते हैं होलनेस। फिर है सेंसुअलिटी, तो आपके बारे में काफ़ी कुछ ख्याल इनके दिलो दिमाग में इसलिए भी हावी हो रहे क्योंकि शायद लास्ट टाइम जब आप दोनों मिले थे तो आपकी तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो गए थे ये पर्सन, और अभी भी उन लम्हों को ही ये याद कर रहे हैं। फिर है सेल्फ वर्थ, यहाँ पे जैसे ये सेंटर पे, मतलब इसको लग रहा है कि ये सेंटर स्टेज पे है, सब लोगों ने इनकी इसकी सुननी चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, मतलब हर किसी के नज़रिए में अपने अपने इम्पोर्टेंस होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार सिर्फ चलेगी तो हमारी ही चलेगी। तो अगर आपके पर्सन ने कुछ कंट्रोल इश्यूज क्रिएट किए हैं या फिर हमेशा उनकी जिद रही है कि होगा तो सिर्फ उनकी मर्जी का ही, तो यहाँ पे अब ये अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। फिर है लव टीम, दिल खोल के ये मुस्कुराना चाहते हैं, यानी कि स्ट्रेस को निकालना चाहते हैं और उनको पता है कि ये तभी होगा जब आपको वो सामने देखेंगे तो उनका दिल खुश हो जाएगा और वो स्माइल उनके चेहरे पे आ ही जाएगी जो उनको असलियत में चाहिए। फिर है वेट एंड सी, तो राइट नाउ शायद आप दोनों भी इसी एनर्जी में हैं, मतलब ये आपका हिडन मैसेज भी समझ रहे हैं कि तुम्हें बात नहीं करनी, ठीक है मैं भी देखती हूँ या फिर मैं भी इंतज़ार करता हूँ देखता हूँ कब तक यही चलता है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कि इनको भी समझ में आ रहा है कि अगर इन्होंने जानबूझ के कुछ ऐसे फैसले लिए थे या फिर कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट किए थे कि अभी हमें बात नहीं करनी चाहिए या फिर मैं बिज़ी हूँ बात नहीं कर सकती, तो अब आप भी अपनी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बन गया है। और फाइनल कार्ड है कमिटमेंट, तो अब ये पर्सन सीरियसली आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि जैसा हमने देखा नाइन ऑफ पेंटिकल के बात की जो इनकी विश है, 10 मतलब कम्प्लीशन का होता है कार्ड, तो ये ज़िंदगी में सेटल होने के बारे में भी सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा है कि अब इनको कमिटमेंट देना चाहिए अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है तो ये था कुछ मिला जुला रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।